हेलो नमस्कार भैया, नमाचर में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हम लोग की विभागीय परीक्षा ली जाए और हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। और विभागीय परीक्षा देने के लिए अतिथि शिक्षक तैयार भी है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को जो आदेश जारी किया गया DPI की ओर से कि अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में, डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, इससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे दी है, जिससे सरकार और शासन भी हिल सकती है। इससे अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए, एक ही मांग है इनकी कि विभागीय परीक्षा ली जाए। जिस तरह से गुरुजियों को किया था नियमितीकरण, इस तरह से मध्य प्रदेश को अतिथि शिक्षकों को नियमित करें, क्योंकि अतिथि शिक्षक योग्य हैं, वर्षों से सेवा दे रहे हैं। अगर योग्य नहीं होते तो अभी तक अतिथि शिक्षक नहीं होते, वो योग्य हैं इसलिए अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और सभी मापदंडों को पूरा करते हैं अतिथि शिक्षक, इसलिए नियमितीकरण होना चाहिए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो महाडिबेट दिखाने वाला हूँ जो अतिथि शिक्षक की होने वाली हो रही है। इसमें BJP प्रवक्ता है, कांग्रेस प्रवक्ता, अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं, क्या कहना है सभी का अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। बात अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। प्रदेश में 70,000 से ज्यादा कार्यरत अतिथि शिक्षक सीधे तौर पर नियमित नहीं किए जाएंगे, यानी गेस्ट टीचर्स को नियमित होने के लिए सीधी भर्ती परीक्षा देनी होगी। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने 25% आरक्षण देने की बात कही है, उधर गेस्ट टीचर आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही प्रदेश में अब सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस ने BJP पर धोखेबाजी के आरोप लगाए हैं, तो वहीं BJP कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। DPI का आदेश, गेस्ट टीचर में आक्रोश। इस आदेश के खिलाफ में जल्दी संगठन सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। नियमित नहीं होंगे टीचर, फिर बढ़ेगी तकरार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफी कर रही है। शिवराज जी तो कहते थे कि मैं अतिथि शिक्षकों के साथ खड़ा हूँ। DPI का निराकरण, भर्ती में 25% आरक्षण। एक सर्टेन परसेंटेज तय किया गया है जिसमें से अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सदैव ही शिक्षकों के नाम पर रोटियां सेकने का काम किया है। अतिथि शिक्षकों की जंग फिर चढ़ा सियासी रंग। MP में अतिथि शिक्षकों को सीधे तौर पर नियमित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती में 25% आरक्षण की व्यवस्था की है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है, उधर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों का कलेश बढ़ेगा? क्या फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे टीचर? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। नियमित किए जाने की मांग ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। DPI के आदेश पर एक बार फिर से अतिथि शिक्षक सड़क पर उतर सकते हैं। बात गेस्ट टीचर्स की करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर उन सवालों पर जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा कि अब इस आदेश के बाद शिक्षकों का क्या स्टैंड रहेगा। अगला सवाल, क्या फिर सड़क पर उतरेंगे गेस्ट टीचर्स, क्योंकि इतनी आसानी से इस आदेश को नहीं मानने वाले हैं। भर्ती में आरक्षण, तो फिर आक्रोश क्यों है? 25% आरक्षण की बात कही गई है, तो फिर आक्रोश किस बात पर है? एतराज किस बात को लेकर है? इन सवालों पर आज बात करेंगे महाडिबेट में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस पैनल में शामिल हैं संतोष गौतम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बृज गोपाल लोया जी BJP के स्पोक्स पर्सन हैं, राजू आठनेरे जी अतिथि शिक्षक संघ से हैं, डॉक्टर आर के शुक्ला हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजू आठनेरे जी, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं, जो ये आदेश आया है, इस आदेश के को किस तरह से आप ले रहे हैं, क्यों संतुष्ट नहीं है और आगे अब क्या करेंगे? ठीक है, आ गया। हाँ जी सर। राजू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, शायद वो मुझे अभी नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं, राजू जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं मैडम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार
राजू जी बताइए क्या ऐतराज है इस आदेश से और अब आगे क्या करेंगे? मैडम जी, हम लोगों ने बरसों से अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है और हमारे कई साथी ऐसे हैं जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार ने उनको कद्र करना चाहिए और ये जो आदेश आए हैं ये कोई सरकारी आदेश नहीं है। जी सरकार को चाहिए कि अतिथि शिक्षक जो अनुभवशील है, जिन्होंने बरसों से काम किया है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है, उन्हें अतिथि शिक्षकों को नियमित सरकार ने करना चाहिए। जी, ये सरकारी आदेश नहीं है तो क्या है फिर? इसके पहले जी ये मैडम जी क्या जी, कुछ लोग हमारे अतिथि शिक्षक ने कहा कि हम 2018 की परीक्षा पास है और हमें नियमित किया जाना चाहिए। कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या अतिथि शिक्षक जो हमारे पास आए हुए हैं इनको नियमित किया जाए, तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि हम 25% आरक्षण उनको दे रहे हैं। तो हमें मैडम आरक्षण नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकारी पदों पर जो अव्यवस्था की है नियमितीकरण के लिए सरकार ने अतिथि शिक्षक को नियमित करना चाहिए, क्योंकि 2012-13 में भी मैडम इन्होंने गुरुजी को बिना परीक्षा के भी नियमित किया था। हम तो परीक्षा देने के लिए तैयार है। जी ठीक है, ब्रजगोपाल लोया जी, सुना आपने, आरक्षण नहीं चाहिए, तैयार है परीक्षा देने के लिए? नहीं, देखिए दो तीन बातें हैं। पहले पृथक पृथक इसका पूरा हमें वास्तविकता समझना पड़ेगी कि सरकार का पक्ष क्या है और अतिथि साथी जो हमारे हैं वो क्या चाहते हैं। अतिथि चाहते हैं कि जिस तरह से वो कार्य पर हैं उसी तरह सीधे सीधे उनका नियमितीकरण कर दिया जाए, जबकि देश भर में इस तरह के बहुत मामले हैं कि नियमितीकरण सीधे नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने ये तय किया था, पिछले वर्ष महापंचायत भी हुई थी अतिथियों की, जिसमें ये तय हुआ था कि उन्हें उनकी सुविधाओं में विस्तार दिया जाए, तो उनके वेतन को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया था। उसके साथ शासकीय सेवकों जैसी जो सुविधाएं शासकीय सेवकों को मिलती हैं वो हमारे अतिथि साथियों को मिले, इसकी प्रबंध किया गया था। और तीसरा, कोई 25% जो आज सरकार ने कहा है कि 25% आरक्षण उनको दिया जाएगा, और आरक्षण में भी आधार ये होगा कि 3 वर्ष में अगर 200 दिन उन्होंने कार्य किया है तो ये पर्याप्त है किसी अतिथि के लिए उस आरक्षण का लाभ लेने। जब भी शिक्षकों की परीक्षा भर्ती निकलेगी अपने वर्ग के अनुसार उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और ये पिछले बार भी मिला है। मैं ये भी आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, पिछले टर्म में भी ये लाभ उन्हें मिला है। तो ये जो आज स्थितियां हैं तो मुझे लगता है चूंकि एक सब जुडिशियल विषय है कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार डीपीआई से हाईकोर्ट ने अपना मत पूछा था, जो मत डीपीआई ने दे दिया है जो अतिथि शिक्षकों के सामने रखा है, और अतिथि शिक्षक कोर्ट के माध्यम से पुनः इस पर और चर्चा होगी। परंतु जहां तक मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो तय किया था वो सारी चीजें देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। राजू जी आप क्या कह रहे थे बीच में, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि सरकार जो 25% आरक्षण दे रही है इसमें नाम मात्र के अतिथि की पद है, और हम परीक्षा भी पास है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे कि डायरेक्ट नियमित कर दीजिए। सरकार की व्यवस्था है तो परीक्षा लीजिए, और कई अतिथि शिक्षक परीक्षा भी पास है मैडम, 2008 में पास है, 2011 में पास है, 2018 में पास है, 2023 में पास है, चयन परीक्षा पास है, लेकिन फिर भी इतने योग्य रहने के बाद अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहा और 15 साल काम किया है। यदि उसमें गुणवत्ता नहीं होती तो क्या अतिथि शिक्षक 15 साल काम कर लेता? अलग अलग भटकाया जा रहा है उन्हें, नियमित करना चाहिए सरकार ने। बीएड डीएड है और सरकार चाहे तो विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षक को नियमित कर सकती है, पर्याप्त पद बाकी है, पूरे पद निकाल नहीं पा रही सरकार। ठीक है, संतोष गौतम जी, पूरी स्थिति को लेकर आपका कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। उसने अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार से किसानों से गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए बोला था, उसी प्रकार पिछले वर्ष हुई महापंचायत में चुनावों के पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों से वादा किया था। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, लेकिन आज वही शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं और शिक्षक हमारे दर बदर भटक रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी पिछले इसी महीने 10 सितंबर को जब 8000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तो उन पर लाठियां अलग बरसाई गई, उनको खून के छींटे उनके शरीरों से निकले, उनके ऊपर वाटर कैनन की मार कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि अतिथि शिक्षक अपने ही प्रदेश में सरकार के विरुद्ध दुश्मन के रूप में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मैं समझ पाया हूं हाईकोर्ट के डिसीजन को, वो उन्होंने सरकार को कहा है कि आप जो नियमानुसार कार्रवाई हो वो कीजिए। सरकार ने ही तो वादा किया था, नियमानुसार कार्रवाई क्या होती है? सरकार चाहे तो नियमों में संशोधन कर सकती है, नियम कोई गीता और बाइबल नहीं है जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि सरकार की
मंशा अतिथि शिक्षकों, किसानों, युवाओं, किसी के प्रति साफ नहीं है, इसलिए यह सरकार ऐसी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ दिन पहले तक डिबेट्स में जब आते थे तो वह कहते थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता चुप बैठे, थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी कर दी जाती है, कर दी जाएंगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सुर जिस तरीके से बदले हैं आज डीपीआई के फैसले के बाद, वो बेहद शर्मनाक है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आप अतिथि हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे। इस प्रकार की भाषा हमारे शिक्षकों के प्रति जो अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो इस सरकार के घमंड का, उनके दंभ का प्रतीक है। पूरे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तक सत्ता के मद में चूर है और जनता समझ रहे, जनता के आकांक्षाओं पर पानी फेरकर यह सरकार पूरी तरह से दिखा देना चाहती है कि उसका कोई। आपकी बात पर काउंटर कर लूंगी मैं ब्रजगोपाल लोया जी से, लेकिन पहले डॉक्टर आरके शुक्ला मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। क्या होता है जब आप बयान देते देते इतना भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ भी वादे कर देते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप देखते हैं कि आपकी चादर कितनी लंबी है, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपको अपने पैर कहां समेट देने हैं। क्या ऐसा ही हुआ है यहां सरकार के साथ? निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनानी थी, तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान किसी मंत्री जी ने वादा किया था कि हम आपको सरकार बनने पर नियमित करेंगे। ये सभी के पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी, नेता भी जानते हैं कि हाँ, पब्लिक डोमेन में चीज है। अब सवाल है कि आज जो अतिथि शिक्षकों जो संघ है या हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी मांगे जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए। क्योंकि अब आप समझिएगा, 14,000 रुपया में एक शिक्षक महीने भर अपना परिवार कैसे पाले, ये संभव नहीं है। मैं एक कमेंट कर रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत नहीं है, किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री का उसका जो एक दिन की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा है वो 14,000 से ज्यादा जाता है, ठीक है ना। और आप हमारे शिक्षक से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 14,000 रुपया में साल भर पढ़ा रहे, जिंदगी भर पढ़ा रहे। साहब, उसका भी अपना परिवार है, उसने भी पढ़ाई करके आया है, उसकी मांगों को आप सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण करें, उनको नियमित करें। कैसे करना है, कहां से करना है, राजस्व की प्रॉब्लम है, आप अपने खर्चे कम करो। पहले शिक्षा अनिवार्य है, ना कि सरकार की जो खर्चे हैं अनाप शनाप उनका होना जरूरी है। आप अपने खर्चे कम करें, राजस्व की पूर्ति वहां से करें और शिक्षकों को नियमित करें, ये मेरी भी मांग है जी। ब्रजगोपाल जी, तीन देखिए अलग अलग बातें हैं। एक तो मैं इस बात को बिल्कुल विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है। हम उस तरह के राजनीतिक दल नहीं है जो व्यक्तियों को बात ना करने दें। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र विषय उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, सर ये आपके घोषणा पत्र में था 2018 में और उसके बाद 16 दिसंबर को आपकी सरकार बन गई थी। 2018 में जो 23 मार्च 2020 तक रही, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, ये मैं पहले बड़ा स्पष्ट कर दूं। मगर आपके घोषणा पत्र में था तो छल कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, कपट कौन करता है, वो दिखाई देता है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहता हूं, पिछले वर्ष ही सितंबर 2023 में यह निर्णय हुआ था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, इनके वेतन को दोगुना किया जाएगा और उन्हें शासकीय सेवकों की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। जो मैं ये अतिथि साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले वर्ष सितंबर के माह से ही इनका वेतन दोगुना हुआ है। जो 14,000 हुआ है वो 7 था, जो 18,000 हुआ है वो 9 था। तीसरी बात, हम उनके नियमितीकरण के खिलाफ नहीं है, पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, परंतु जो भी नियम प्रक्रिया है, जो कोर्ट निर्देश देती है, उसका पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है। और एक और बात करता हूँ, एक नियमित शिक्षकों का भी, अभी आपको याद होगा कि एक महीने पहले भोपाल में प्रदर्शन हुआ था, जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं, जो मेरिट में हैं, जिनके नियुक्ति आदेश निकलने हैं, वो शिक्षकों का कहना है कि नहीं, अतिथियों के स्थान पर आप हमें नियुक्ति दीजिए। तो देखिए, सरकार को सबके बीच में से चलना है और सरकार उस पर चलने का प्रयत्न करती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में काम कर सकें, मगर यदि उसमें कुछ लोगों का हित होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु सरकार की मंशा पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं, राजू जी, है सरकार की मंशा, और एक मिनट बात खत्म कर दूंगा, और वो लोग कृपया सरकार की मंशा पर सवाल ना उठाए जिन्होंने 500 रुपए प्रतिमाह के शिक्षा कर्मी बनाए थे। अतिथि तो छोड़िए, शिक्षा कर्मी 500 रुपए प्रतिमाह के बनाए थे 1994 से लेकर 2004 तक, जिन्होंने वो दंश झेला है। ठीक है राजू जी। जी मैडम जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान
मुख्यमंत्री महोदय जी जब विधायक थे तो उन्होंने लिख के दिया था कि अतिथि शिक्षक की मांग जायज है और इनके नियमित किया जा सकता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए, वो तो पूरा निर्णय ले सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे मुख्यमंत्री महोदय जी को जिन्होंने 2 सितंबर के दौरान ऐसा अतिथि के हित में कहा कि हमने उनको देवता मान लिया। और सच अगर वो अगर सार्थक हो जाए तो सारे अतिथि शिक्षक कभी ना कभी नियमित होंगे। और मुझे मालूम है सरकार कभी ना कभी अतिथि शिक्षक को नियमित करने वाली है, पर जल्दबाजी करे अभी करे, क्योंकि 15 साल से हम लोग आस लगाए बैठे हैं। हमारा परिवार बिल्कुल, हमारे बच्चे घर के बाहर निकल नहीं पा रहे कि हमारे पापा अतिथि शिक्षक 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से काम कर रहा है। और ये ट्रांसफर प्रमोशन के चक्कर में हमारे कई अतिथि शिक्षक साथी बाहर है, कई लोग दुकान लगाने के लिए काम कर रहे हैं, कोई चाय का ठेला चला रहे हैं। और मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा न करे, 150 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हमारे सुसाइड कर चुके हैं। ये स्थिति रुकना चाहिए, अतिथि शिक्षक नियमित होना चाहिए, मांग जायज है। और ये कोटा का आदेश नहीं है मैडम, सरकार ने जो पक्ष रखा, सरकार जो 25% आरक्षण की बात कर रही है, वो कोटा ने कहा कि सरकार आपको 25% आरक्षण दे रही है, ये कोई आदेश नहीं है कोर्ट का। ठीक है डॉक्टर शुक्ला। मैं लोहिया जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आपकी सरकार पर कोई भी वादा खिलाफी का आरोप नहीं लगा रहा है। आपने निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों की वेतन डबल किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इतना सा और कर दे, उनको आप नियमित कर दे। ब्रजगोपाल लोया जी नियमित कर दे, डॉक्टर शुक्ला कह रहे हैं, राजू जी कह रहे हैं कि पता है कि एक ना एक दिन सरकार करेगी, लेकिन वो एक ना एक दिन अभी क्यों नहीं? नहीं देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ बातें बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि हम झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, जो हम कर सकते हैं वही कहने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जो हमारे सम्मानीय अतिथि साथी हैं वो हमारी आलोचना नहीं कर रहे हैं, सरकार से उनकी मांग है जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि हम ये चाहते हैं, आपने वादा खिलाफी नहीं करी है, मगर हम ये चाहते हैं कि आप नियमितीकरण और कर दें। और मैं फिर से कहता हूं, माननीय मोहन यादव जी के जिस प्रकरण का ये जिक्र कर रहे हैं, यदि उन्होंने उनके मन में ऐसा कोई मंशा होगी तो निश्चित आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस पर भी विचार होंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कर सकते हैं, किस तरह रोस्टर का पालन करते हुए कर सकते हैं, उसमें कितने दिन के हम अतिथि शिक्षक लेंगे। क्योंकि इसमें एक और बात है जो हमारे मित्र से स्वीकार करेंगे कि 15 वर्ष 2012-13 तक के अतिथि है, 2013 से लेकर 2024 तक के अतिथि है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, कैसी कार्य योजना होगी। ये असल में सरकार और अतिथियों के बीच एक संवाद जो है, वो संवाद जब होगा तब इस पर कुछ आगे बढ़ेंगे। नहीं, संवाद तो पहले भी हुआ, संवाद मुलाकात हुई प्रदर्शन की बात, तो उस निर्णय का पालन। ठीक है संतोष गौतम जी, आपके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, आपकी सरकार भी रही, उसके बावजूद आपने क्या किया जो अब आप उंगली उठा रहे हैं, ये पूछ रहे थे ब्रजगोपाल लोया जी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर जवाब देना चाहता था ब्रजगोपाल लोया जी को कि 20 साल की सरकार उनसे तुलना कर रही जिनकी सरकार 15 महीने के लिए आई थी, और तो और 1994 तक की घटनाएं उनको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि शिवराज सिंह ने पिछले वर्ष अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में वादा क्या किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, संतोष जी बीच में नहीं बोलता, क्षमा करना संतोष जी। नहीं नहीं संतोष जी, नहीं नहीं क्षमा करना, नहीं बोला शिवराज जी ने जो अतिथि शिक्षकों की पंचायत की थी उसमें मैं मौजूद था, और दो अतिथि साथी हमारे जुड़े हैं, कृपया उनकी उनके मुंह में बात डालने की कोशिश ना करें। मैं फिर से कह रहा हूं, जो अतिथि कह रहे हैं कि हमने जो कहा है नहीं, वो तो उस महापंचायत में ब्रजगोपाल लोया जी क्या पीड़ा है, उस महापंचायत में क्या कहा गया था, क्या वादा किया गया था? संतोष जी इससे थोड़ा बाहर जाएं। नहीं, क्या कहा गया था उस महापंचायत में ब्रजगोपाल लोया जी? मैं आपको बता रहा हूँ कि वेतन दोगुना किया जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, 3 वर्ष में अगर 200 दिन है उस अनुभव का उन्हें लाभ दिया जाएगा, और अतिथि जो कार्यरत हैं उनको अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा, यदि वो इनकार करता है तो ही दूसरा अतिथि विद्वान वहां रखा जा सकेगा, अन्यथा उसी अतिथि को रखना करने की बात नहीं हुई थी। मतलब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं मेरे अतिथि साथी यहां मौजूद हैं, आप और मैं फिर से कहता हूं, राजनीति सत्य के आधार पर होना चाहिए। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमारा 2018-2023 का घोषणा पत्र देख लें, और हमारी संवेदना इनके साथ है, क्योंकि संतोष जी से मेरा वक्त पूरा ब्रजगोपाल संतोष जी की बात सुन लेते हैं। नहीं मेरा पूरा वक्त संतोष जी, आपका पूरा वक्त, लोया जी ने मेरा पूरा वक्त ले लिया, मैं बिल्कुल मैं आग्रह करता हूं कि मुझे पूरा वक्त दिया जाए। लोया जी सफाइयां दे रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि वही मैं कह रहा हूं कि
वो ऐसा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरिश्चंद्र की वंशज है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने पिछले घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम पर कहा था कि किसानों को 2700 रुपए का समर्थन मूल्य गेहूं का और 3100 रुपए धान का दिया जाएगा, वो आज तक नहीं दे पाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है। बाज आइए ऐसा झूठ बोलने से। अभी अतिथि शिक्षकों ने बोला कि 150 से अधिक अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं गरीबी के मारे, तंगहाली के मारे, लेकिन इस सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है। यह इस सरकार की संवेदनशीलता है। और उसके बाद भी अगर बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं जिनकी 20 वर्षों में केवल 15 महीने सरकार रही और 30 साल पहले के अगर किस्से सुना रहे, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार हमें है। यह भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार जो रेत के अवैध उत्खनन में व्यस्त है, जो शराब के अवैध परिवहन में व्यस्त है, जो भ्रष्टाचार की कमाई खाने में व्यस्त है, जो दलालों से भरे हुए वल्लभ भवन को संचालित करने में व्यस्त है, वो अतिथि शिक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं देगी। यह मेरा पूरा दावा है। और मुझे मालूम है कि ये कुछ भी कह लें लेकिन ये अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करने वाले हैं। लो जी 10 सेकंड में बात। देखिए मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता कहाँ कहाँ बात घुमाएंगे परंतु मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः कहता हूँ, हमने 2700 में गेहूं खरीदने का वादा किया है, वो भी हम खरीदेंगे। मैं फिर से कहता हूँ क्योंकि हम उस तरह नहीं है कि चुटकियां बजा कर मैडम जी, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, भारत में लोकतंत्र, जनता की आवाज को सुनना चाहिए। पिछली बार आपने देखा मैडम, 15,000-20,000 अतिथि शिक्षक भोपाल में आए हुए थे अपनी मांग मनवाने के लिए कि जो आपने कहा वो कर दीजिए, बस हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कुछ करे, सरकार ने जो कहा कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र हमारे पास रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षा की मांग जायज है, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। और मैडम जी, आजाद अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आने वाले गांधी जी जयंती के अवसर पर हम पूरे भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि फिर से एकजुट होने वाले हैं। इसके पहले भी सरकार अतिथि शिक्षक के नियमित अगर मांगे नहीं मानी गई, खासतौर पर नियमित नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को आप लोग इकट्ठा होंगे भोपाल में, ये आप कह रहे हैं ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की मां डिबेट के लिए समय देने के लिए। अतिथि शिक्षकों का यह ऐलान कि अगर मांगे नहीं मानी गई, नियमित नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को वो फिर से इकट्ठा होंगे, ये उनकी तरफ से आह्वान किया गया।